बोल बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज हम आपको ठाकुर बांके बिहारी जी के अनेक रूपों के दर्शन कराएंगे। वर्ष भर में ठाकुर बांके बिहारी जी अनेक रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं वो हरियाली तीज के दर्शन कर रहे हैं। वर्ष में एक बार हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है और साथ ही साथ उनको स्वर्ण रजत हिडोलों में विराजमान किया जाता है। पूरे मंदिर परिसर को हरे वस्त्रों से सजाया जाता है। और भक्तों, ये जो दर्शन आप कर रहे हैं जन्माष्टमी के दर्शन कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है और साथ ही साथ मंदिर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ठाकुर जी बंसी धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सफ़ेद पोशाक ठाकुर जी को धारण कराई जाती है, जबकि मंदिर परिसर को भी सफ़ेद वस्त्रों से सजाया जाता है। और भक्तों, ये जो विशेष दर्शन आप कर रहे हैं वो हैं अक्षय तृतीया के। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार ठाकुर जी के चरण के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर बांके बिहारी जी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दर्शनों के लिए आते हैं। और भक्तों, ये जो दर्शन आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं होली के दर्शन। होली पर ठाकुर बांके बिहारी जी को रंग गुलाल लगाया जाता है और बसंत पंचमी से ही वृंदावन में फाग उत्सव शुरू हो जाता है। और भक्तों, सावन के पूरे महीने में ठाकुर बांके बिहारी जी पर फूल बंगला के दर्शन होते हैं। तो ये दर्शन आप कर रहे हैं फूल बंगला के। और भक्तों, ये जो दर्शन आप कर रहे हैं वो एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। एकादशी के पावन अवसर पर भी ठाकुर बांके बिहारी जी के बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। तो भक्तों, इस तरह से वर्ष में जो होने वाले विशेष अवसर थे उनके दर्शन हमने आपको करवाए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।